नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एंशियंट हिस्ट्री में, और एंशियंट हिस्ट्री में जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने रमागुप्त तक पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो गुप्ता डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी में हम देखते हैं 240 से लेकर, या कब तक रही थी, 550 एडी तक रही थी। साथ ही आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो को, अगर हम देखें तो आप लास्ट वीडियो देखोगे तो वहां पाओगे कि रमागुप्त जो था वह एक कायर शासक था। किसका? गुप्ता डायनेस्टी का। और ऐसे में होता क्या है, जब शक उस पर आक्रमण कर देते हैं तो शकों ने एक शर्त रखी थी कि हम ध्रुव स्वामिनी को लेके जाएंगे। और ध्रुव स्वामिनी क्या थी? यह बड़ी ही सुंदर स्त्री थी, और इसके जो चर्चे थे सुंदरता के बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। तो ऐसे में एक संधि होती है शकों के बीच में, तो उस संधि में ध्रुव स्वामिनी को ही मांग लेते हैं कौन, सब शासक। अब यह तो बेचारे कायर शासक ठहरे, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी भाभी को देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब यह बात इनके छोटे भाई को पता चलती है, तो छोटे भाई कौन थे इनके, चंद्रगुप्त द्वितीय, जब उनको पता चलती है तो वह इसका बदला लेने के लिए जो है जाते हैं और शकों को पराजित कर देते हैं। और जब शकों को पराजित कर देते हैं, साथ में ही अपने भाई को भी माफ नहीं करते और भाई की भी हत्या कर देते हैं। तो रमागुप्त को मार कर यह कहाँ बैठ जाते हैं, राजगद्दी पर, और किसके साथ, तो ध्रुव स्वामिनी के साथ। तो आज हम बात करते हैं किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात करें तो यह 385 एडी में शासक बनते हैं, 385 एडी में शासक बनते हैं, और 415 एडी तक यह अपना राज करते हैं। तो 385 एडी में जब यह शासक बनते हैं अपने भाई रमागुप्त को मारकर, तो ऐसे में इनका जो होता क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, शकों को पराजित किया था पूरी तरह से, पूरी तरह से शकों को इन्होंने क्या किया था, पराजित कर दिया था। तो ऐसे में जब शकों के आक्रमण इतने तेज हो गए थे गुप्त साम्राज्य में कि शक एक तरह से चैलेंजिंग फेस जो है इनके लिए बन के आ रहे थे, तो शकों को इन्होंने पूरी तरह से पराजित कर दिया और इनको बाहर खदेड़ दिया। तो ऐसे में इस खुशी में, शकों को पराजित करने की खुशी में और राजा बनने की खुशी में, इन्होंने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और दूसरा जो था वह चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें 14 से ज्यादा विक्रमादित्य पाएंगे, लेकिन 14 से ज्यादा विक्रमादित्यों में जो असली विक्रमादित्य के नाम से जिसको जाना जाता है या फेमस है, वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और साथ में ही क्या किया, चांदी के सिक्के जो है वह चलाए थे। तो साथ में ही यह सारी चीजें जो हैं कि किस तरह से इन्होंने शकों को पराजित किया, किस तरह से उन्होंने ध्रुव स्वामिनी को पाया, यह सारी चीजें इनकी एक बायोग्राफी है, इनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। इसमें, इस पुस्तक में इनका वर्णन है सभी चीजों का, और इनके विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह धारण की थी। तो देवी चंद्रगुप्तम जो पुस्तक है, बायोग्राफी है, किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। और यह किसने लिखी है, तो यह लिखी है विशाखा दत्त ने, यह लिखी है विशाखा दत्त ने। तो इस पुस्तक में यह गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बहुत सारे स्रोत हैं, और उनसे हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय की बायोग्राफी। साथ ही मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, यह एक चीज के लिए और फेमस थे, वह था इन्होंने सेकंड कैपिटल, जो गुप्ता डायनेस्टी की सेकंड कैपिटल थी, उसको उज्जैन में स्थापित किया था। मतलब क्या है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने सेकंड कैपिटल, यहां से आप याद रख सकते हो चंद्रगुप्त द्वितीय और द्वितीय कैपिटल, तो उज्जैन में दूसरी राजधानी जो है क्रिएट की थी, किसकी, गुप्ता डायनेस्टी की। तो अब यहां से फर्स्ट कैपिटल जो है, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट कैपिटल थी गुप्ता डायनेस्टी की, फर्स्ट कैपिटल थी वह थी कहां, प्रयाग में।
फर्स्ट कैपिटल कहाँ थी इनकी? प्रयाग में। और सेकंड कैपिटल कहाँ बनाई? तो यह बनाई थी उज्जैन में। तो यहां से लोग जो है फर्स्ट कैपिटल को बहुत टाइम पर क्या करके आ जाते हैं, पाटलिपुत्र टिक करके आ जाते हैं। लेकिन नहीं, पाटलिपुत्र का रोल जो है वह तभी समाप्त हो गया था जब सातवाहनों ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। तो पाटलिपुत्र को लूट लिया था और उस पर कैप्चर कर लिया था, उसको जीत लिया था। और क्योंकि सातवाहन जो थे उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में हुआ करती थी। ऐसे में जो पाटलिपुत्र का रोल है वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट कैपिटल बनी थी गुप्ता डायनेस्टी की, वह प्रयाग इलाहाबाद में थी। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको सेकंड कैपिटल और बनाई, वह थी उज्जैन में स्थापित की थी। तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय का। साथ में ही चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था, या फिर 385 AD से 415 AD जो था, यह था स्वर्णिम काल। गुप्ता डायनेस्टी का स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा या गोल्डन पीरियड। क्यों था यह गोल्डन पीरियड? यह गोल्डन पीरियड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इतने सारे काम जो है किए थे जिससे कि हिंदू लिटरेचर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने स्थापित की थी और उनका प्रकार प्रकाश जो है किया था, तो इनका प्रसार किया था। इसीलिए इसको स्वर्णिम काल माना जाता है। क्योंकि जो सेकंड कैपिटल थी इनकी उज्जैन, जो इनकी सेकंड कैपिटल थी उज्जैन, वहां पर क्या होते थे, इनके दरबार में नौ रत्न रहते थे। नौ रत्न आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? जो उज्जैन दरबार था उसमें इनको नौ रत्न देखने को मिलेंगे। और नौ रत्नों में से कुछ फेमस थे जैसे कालिदास, कालिदास, अमर सिम्हा, धन्वंतरी, बरामिहिर, बरारुचि। तो यह कुछ फेमस उनके दरबारी थे। तो अब जैसे कालिदास हैं तो यह किससे रिलेटेड थे? लिटरेचर से रिलेटेड थे। तो ऐसे में क्या हुआ होगा, लिटरेचर का या फिर हिंदू लिटरेचर का विकास हुआ होगा। साथ में ही जैसे धन्वंतरी हैं, यह चिकित्सा से थे, ये चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड थे। जैसे बरारुचि हैं तो बरारुचि ये इकोनॉमिस्ट थे। तो ऐसे में होगा क्या, इन सारे जैसे इस तरह से इनके में नौ रत्न रहते थे, ऐसे में क्या हुआ, हिंदू लिटरेचर का विकास हुआ, चिकित्सा का विकास हुआ, इकोनॉमी का विकास हुआ। यह सारी चीजें जो है गुप्ता डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेंगी। साथ में जैसे टेम्पल लिटरे टेम्पल आर्किटेक्चर का विकास होगा। अब कालिदास रहते थे तो हिंदू लिटरेचर का विकास होगा। मेडिकल साइंसेस का विकास होगा, जैसे इसमें बरामिहिर जो थे या क्या थे, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित थे। तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मेटलर्जी। तो इन्हीं सब चीज़ों का विकास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ था, इसलिए इसको गोल्डन एरा माना जाता है या गोल्डन पीरियड माना जाता है। किसका? गुप्ता डायनेस्टी का। तो यहाँ से जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका इतना विकास हो गया कि इस पीरियड को गोल्डन एरा के नाम से जाना जाने लगा। साथ में ही जो गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, यह फेमस थे अपनी पॉलिटिकल मैरिजेज के लिए। पॉलिटिकल मैरिजेज, जिसमें इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले नागालैंड, नागालैंड की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कुंवर नागा, कुंवर नागा, ठीक है। तो नागालैंड की एक राजकुमार थी जिनका जिनका नाम था कुंवर नागा, और कुंवर नागा से यह विवाह कर लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कुंवर नागा से जब विवाह कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी शासन किसका हो जाता है एक तरह से, तो यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाता है। साथ में ही जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती, ठीक है, इनकी एक पुत्री थी प्रभावती। तो प्रभावती की शादी जो है यह कर देते हैं रुद्रसेन से।
अपनी पुत्री प्रभावती की शादी जो है रुद्रसेन से कर देते हैं। और रुद्रसेन कौन थे? तो रुद्रसेन थे बकाटक, बकाटक शासक थे ये। ठीक है, तो बकाटक शासक एक रुद्रसेन थे जिनसे कि अपनी पुत्री प्रभावती की यह शादी कर देते हैं। और बकाटक जो है उस टाइम पर रूल कर रहे थे, कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले इलाका इलाके में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले इलाके में बकाटक रूलर्स जो है शादी कर रहे होते हैं और यह अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं रुद्रसेन के साथ। लेकिन रुद्रसेन के शादी के कुछ साल बाद ही क्या होता है, रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो अब हालांकि इनसे जो है प्रभावती को एक पुत्र जो है प्राप्त हुआ था, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में होगा क्या, जब मृत्यु हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो राज है वह किसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे भारत में लगभग साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न, जैसे महाराष्ट्र वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल टाइम में तो इनका राज था ही, जैसे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। तो इस प्रकार से गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में इसने अपना राज को विकसित भी किया और साथ में इन सारी चीजों का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। इसीलिए इसको माना जाता है क्या, गोल्डन एरा गुप्ता डायनेस्टी का। अब मैं बात करूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम के कुछ और चीजें, तो चीनी यात्री फायान जो है वह भी इन्हीं के शासनकाल में भारत में आया था। चीनी यात्री फायान, चीनी यात्री फायान जो है भारत आया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। और इसकी एक पुस्तक है फुको की, फुको की। तो फुको की जो है इसका यात्रा वृतांत है, और उसी में जो फुको की पुस्तक है यह एक ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो चीनी यात्री फायान जो है वह भी किसके समय पर भारत आया था? तो वह भी आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। सेकंड पॉइंट जो है लोह स्तंभ, लोह स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ आपने नाम सुना होगा। तो मेहरौली का लोह स्तंभ जो है वह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का ही है। और आज की डेट में यह जो लोह स्तंभ है यह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है यह दिल्ली में है। इसमें इस लोह स्तंभ को रखा गया है। और यह लोह स्तंभ इतना फेमस क्यों है? तो यह लोह स्तंभ इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। तो मेहरौली का लोह स्तंभ है यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ही इसका निर्माण हुआ था, जिसको के बाद में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। तो यह थी सारी चीजें किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शासक कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त जो है शासक बनते हैं। और यह 415 से लेकर 455 एडी तक शासन करते हैं। कुमारगुप्त जो है 415 से लेकर 455 एडी तक शासन करते हैं, क्योंकि इनसे जस्ट पहले चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके काल में कौन आया था? चीनी यात्री फायान आया था। ठीक है, चीनी यात्री फायान आया था। और यह किस धर्म से रिलेटेड था? तो बुद्धिज्म से यह रिलेटेड था। तो ऐसे में होता क्या है, जो कुमारगुप्त जो है वह फायान से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कुमारगुप्त वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई फायान और बुद्धिज्म। तो दोनों से जब इनको प्रभावित तो हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, कुमारगुप्त जो है एक नाम सुना होगा आपने, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के समय पर ही हुई थी।
और यह नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था? यह बुद्धिज्म से रिलेटेड था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसके समय पर हुई थी? कुमार गुप्त के समय पर हुई थी। हालांकि कुमार गुप्त जो है खुद वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन यह सभी धर्मों का आदर करते थे। बेशक ये वैष्णव धर्म से थे, लेकिन बाकी के धर्मों का भी यह जो है आदर करते थे। जो बात कहाँ से पता चलती है? यहाँ से पता चलती है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है इन्होंने स्थापित करवाया था। और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी एक खासियत थी, यह एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी। मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या अंतर है, तो इसके ऊपर 150 वर्ड का जो है एक कोड जो है लिखना था कि नालंदा विश्वविद्यालय ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि फेमस था, इनमें क्या है, आपस में अंतर क्या था। तो बेसिकली अंतर यही है, जो तक्षशिला जो था वहाँ पर अच्छे अच्छे गुरु वगैरह यहाँ रहते थे, जिनको कि एक तरह से वो गुरुकुल टाइप का था, जैसे टीचर के घर पर जाकर उनको शिक्षा दी जाती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था यह बिल्कुल मॉडर्न था, आज की यूनिवर्सिटी की तरह था। वेल डिफाइंड क्लासेस थी, वेल डिफाइंड सिलेबस होता था, ठीक है। यह सारी चीज़ें, जैसे लाइब्रेरी हो गई, उसमें यह सारी चीज़ें जो है नालंदा विश्वविद्यालय में फेमस थी। अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी, इसकी स्थापना भी कुमार गुप्त के समय पर ही हुई थी। लेकिन यह जो कुमार गुप्त का पीरियड है, 415 से 455 AD जो था, इसमें हुण जो थे एक मध्य एशिया की जनजाति थी, मध्य एशिया की जनजाति थी जिसका नाम था हुण, हुण या हुणाज। तो मध्य एशिया की एक जनजाति, यह भी क्या थी, बारबरिक जनजाति थी, जिनका के आक्रमण बार बार होता रहा था। किसके शासनकाल में? कुमार गुप्त के शासनकाल में। यह सीमा प्रांत पर आके क्या करते थे? अटैक्स करते रहते थे। तो ऐसे में कुमार गुप्त ने अपने पुत्र को, स्कंद गुप्त को, अपने पुत्र स्कंद गुप्त को इन्होंने भेजा था किससे निपटने के लिए? स्कंद गुप्त को भेजा था निपटने के लिए हुणों से। तो अब स्कंद गुप्त जो है इनसे निपटने के लिए जाते हैं और हुणों को पूरी तरह से पराजित कर देते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जो हुण थे, हुण जनजाति जो थी, उसका अटैक कब हुआ था? तो हुणास का जो अटैक है, इनिशियल अटैक कुमार गुप्त के टाइम पर हुआ था, और जो फाइनली जिन्होंने पूरी तरह से पराजित किया था वह थे स्कंद गुप्त। अब कुमार गुप्त के बाद कौन सा शासक बनता है? स्कंद गुप्त। और यह कौन थे? यह थे पुत्र किसके? कुमार गुप्त के। तो जब स्कंद गुप्त शासक बनते हैं, तो स्कंद गुप्त ने क्या किया था? क्योंकि यह जो पीरियड था स्कंद गुप्त वाला, 455 से लेकर 467 AD तक का, तो स्कंद गुप्त का जो पीरियड था 455 से लेकर 467 AD तक का, यह बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड था। चैलेंजिंग पीरियड था। क्यों चैलेंजिंग पीरियड था कुमार स्कंद गुप्त के लिए? क्योंकि इस समय पर जो हुण थे, हुणास जो थे, हुणों के आक्रमण जो हैं बहुत तेज हो चुके थे। अब हुणों के आक्रमण बहुत तेज हो चुके थे, और अपने पिता के टाइम पर ही, कुमार गुप्त के टाइम पर ही स्कंद गुप्त को कहाँ भेजा गया था? हुणों से लड़ने के लिए भेजा गया था। तो अब ऐसे में स्कंद गुप्त ने हुणों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था, हुणों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। अब पूरी तरह से पराजित कर दिया, तो अब क्या करेंगे? पराजित करके हुणों को खचेड़ करके क्या कर दिया था? सीमा से बाहर कर दिया था। अब जब सीमा प्रांत से बाहर हो गए, तो अब हुण भी बैठ गए किसमें? ताल में बैठ गए कि कब यह स्कंदगुप्त मरेगा। अब हुण जो है बाहर बैठे बैठे यही फिराक में थे कि जैसे ही स्कंदगुप्त मरेगा हम जाकर क्या कर लेंगे, दोबारा से अटैक कर देंगे। तो अब जब 467 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? स्कंदगुप्त की। तो 467 में जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है, तब जाकर ये हुण जो है रीऑर्गेनाइज होते हैं। ये रीऑर्गेनाइज हुए, और रीऑर्गेनाइज हुए तो फिर यह क्या करते हैं? जब ये रीऑर्गेनाइज हो गए, तो एक था तोरमन, तोरमन, और एक था मिहिरकुल, मिहिरकुल, ठीक है। इन दोनों की लीडरशिप में, 467 में यह जो हुण थे रिऑर्गेनाइज हुए, किसकी लीडरशिप में? तो इन दोनों की लीडरशिप में यह ऑर्गेनाइज हुए,
और इन्होंने क्या कर दिया, अब भाई साहब की जो स्कंदगुप्त थे इनकी मृत्यु हो चुकी थी, अब इन्होंने अटैक कर दिया भारत पर और पूरी तरह से जो गुप्ता डायनेस्टी जो थी उसको लूट लिया। गुप्ता डायनेस्टी को लूटेड मतलब लूट लिया, गुप्ता डायनेस्टी को लूट लिया, पूरा जितने भी स्वर्ण भंडार थे वो सारे को लूट ले गए, साथ में जो मिंटिंग मशीन थी, मोहरें थी, जो सिक्के आभूषण यह बनाने की जो चीजें थी उन सबको यह लूट कर ले जाते हैं। कौन? हुण। तो ऐसे में आके क्या हो जाता है, अब क्योंकि इनके पास ना तो इतने धन दौलत बची है ना कुछ बचा है, तो ऐसे में इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। गुप्ता डायनेस्टी जो है धीरे धीरे अपनी अंत होना इनका शुरू हो जाता है, और इसके बाद जो गुप्ता डायनेस्टी थी 550 एडी में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। 550 एडी में जो है गुप्ता डायनेस्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंतिम शासक अच्छे रहे नहीं थे, ना इनके पास धन बचा था, क्योंकि बार बार आकर फिर इन लोगों ने लूटा और लूट करके सोना मोहरें सिक्के बनाने की मशीन वगैरह सबको यह लूट कर ले गए थे। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में मैं बता दूं, और चीज़ें जैसे भानुगुप्त, तो भानुगुप्त फेमस हैं, हालांकि इनसे इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते लेकिन इनकी कुछ चीज़ें फेमस हैं। तो भानुगुप्त का एक 510 एडी में एक एरण अभिलेख मिलता है, एरण अभिलेख, तो यह अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। इसमें क्या है, सती प्रथा के बारे में या फिर एक स्त्री के सती होने के बारे में पता चलता है। तो यहां से यह भी अंदाज लगा सकते हैं कि इस समय पर क्या थी, सती प्रथा थी। तो सती होने के साक्ष्य जो है मिलते हैं भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, जो कि 510 एडी में मिला है। तो भानुगुप्त से आपको इतना ही याद रखना है। और लास्ट में बता दूं तो विष्णुगुप्त जो थे, विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक थे, और 550 एडी में पूरी तरह से गुप्ता डायनेस्टी जो है समाप्त हो जाती है। तो भानुगुप्त से आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त का है, और इससे क्या पता चलता है, एक स्त्री के सती होने के बारे में पता चलता है, अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त थे। तो यहाँ पर खत्म होता है क्या, गुप्ता डायनेस्टी के सारे रूलर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी इकोनॉमिक्स, शासन, शासक व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था, यह सारी चीजें क्या थी वो हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।